गोली वोली तो नहीं पड़वा दोगे ना यहाँ पे तुम? पाकिस्तान के अंदर जा रहे हैं भाई साहब, गोलियाँ चल रही थी, आप कहाँ पे थे और क्या माहौल देखने को? कितना जो बंद हुआ है, हुई है। यहाँ पे भाई साहब लव स्टोरी भी है, जब फायर सीसर हुआ है। बड़ा ही दिल पे पत्थर रख के ना, बड़ा ही रिस्क वाला काम है, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे ड्रोन उड़ाया और अगर किसी ने देखा तो सीधा गोली मारेंगे। ये सारा का सारा पाकिस्तान है। गैस करो आपका भाई अभी कहाँ है? वैसे पता है आपको, मुझे भी पता है कि आपको पता है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा ना गैस करो। इससे प्यारी बॉर्डर, इससे खूबसूरत बॉर्डर, इससे करीब बॉर्डर मैंने आज तक नहीं देखी। आपको थोड़ा सा केरन का माहौल चेक करवाते हैं। एक्चुअली मैं कहाँ हूँ थोड़ा सा आप देखिए, क्योंकि पाकिस्तान बड़ा सामने से नज़र आ रहा है मेरे। एक फ्लैग पाकिस्तान का और दूसरा फ्लैग है आज़ाद कश्मीर का। और ये जो रिवर है इसे कहते हैं किशन गंगा, पाकिस्तान वाले बोलते हैं इसको नीलम रिवर, नीलम वैली पे नाम पड़ा है। और वो आप पाकिस्तान का झंडा आराम से यहाँ से देख सकते हो। जितने भी लोग हैं, जितने भी होटल्स वगैरह हैं, सारे के सारे पाकिस्तान के हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ पे नहीं, आगे और भी बड़ी चीज़ें हैं, बहुत सारे होटल्स हैं, पूरा का पूरा एक प्रॉपर गाँव है। और ये जो आप होटल देख रहे हो, ये केरन जिस पर लिखा हुआ है ब्लू कलर का, ये सबसे पुराना 1980 के अंदर बना था। और उसके बाद में ये सबसे ज़बरदस्त है, सबसे बड़ा है, एरिया भी इनके पास बड़ा है, खुला है। लेकिन शाम को जब माहौल बनता है ना, ये बस यहीं से बनता है, यहीं से स्टार्ट होता है और यहीं पे कर रहा हूँ, क्योंकि लाइटिंग वगैरह यहाँ पे तगड़ी होती है। क्योंकि यहाँ पे ये भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे आता है एक छुपा हुआ चेक पोस्ट। तो ये है केरन विलेज, जो कि लास्ट विलेज आप इसे बोल सकते हो। इस गांव को डिवाइड करती है ये एक रिवर। पार्टीशन हुआ था, पार्टीशन से पहले ये गांव एक प्रॉपर बड़ा गांव हुआ करता था। तो जो पीछे आप गांव देख रहे हो पाकिस्तान वाला, वो भी केरन है, और जहां पे मैं खड़ा हूं वो भी केरन है। तो एक गांव है लेकिन दो कंट्रीज़ के अंदर। और सबसे बड़ा मेन रोल यहाँ पर है इस रिवर का। और एक्चुअली मैं ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत बॉर्डर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत शांति वाला माहौल है। हालांकि 2016 के अंदर, 2016 के अंदर यहाँ पे फायरिंग हुई थी, बम वगैरह गिरे थे। तो हम गांव के अंदर जाएंगे और लोगों से बातचीत करेंगे। एक्चुअली मैं यहाँ पे एक बुज़ुर्ग है जो कि आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर है, तो वो हमें यहाँ की थोड़ी सी हिस्ट्री बताएँगे, क्योंकि वो यहाँ पर मौजूद थे जब फायरिंग हुई थी। तो इस गाँव का पूरा माहौल देखेंगे, पूरा चक्कर लगाएँगे, घर देखेंगे, लोगों से मिलेंगे। अगर आप यहाँ पर रहने आते हो फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ, तो यहाँ पे वैसे देखा जाए तो इंडिया के अंदर, इंडिया वाली साइड के अंदर, केरन विलेज के अंदर, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर वो वाली बात नहीं है। ना तो यहाँ पे बढ़िया गेस्ट हाउस है, ना ही होटल्स वगैरह है, क्योंकि इसी साल टूरिस्ट को छोड़ा है। बाकी अगर आप आते हो फिर भी, तो आपके लिए यहाँ पे पीछे टेंट वगैरह लगाए गए हैं, और यहाँ पे पीछे किचन एरिया भी है। ये मेज़ मकई, और यहाँ पे बाबू मोशाय भी होते हैं, मतलब कि पियर। फखरुद्दीन वानी, फकुरुद्दीन वानी, बिलाल अहमद वानी, इमरान, तो फैल शाकर। आइए सर हम निकलते हैं। गोली वोली तो नहीं पड़वा दोगे ना यहाँ पे तुम? पाकिस्तान के अंदर जा रहे हैं भाई साहब। ये पाकिस्तान की वैन, ये सारा का सारा पाकिस्तान है। वो पाकिस्तान का स्कूल, तो वैसे थोड़ी सी करेक्शन है, जो केरन विलेज है इसके नाम रखे गए हैं बाद में, इस
इसका नाम जहाँ पे हम खड़े हैं ये है रेतड़, और पीछे जो पाकिस्तान वाला केरन है उसको कहते हैं केंसरिया। मतलब भाई ने कहा कि पतली आवाज़ करके बोलो, तो वैसे है तो केंसरिया, केंसरिया ना, केंसरिया हाँ बिल्कुल। इसको चाइनीज सा वर्ड है, इसको बोलते हैं केंसरिया। तो ये थोड़ी सी करेक्शन है क्योंकि इससे पहले बहुत से लोग आते हैं यहाँ पे, लेकिन जो प्रॉपर जो गांव का जो नाम है केरन के बाद में वो शायद बहुत से कम लोगों को पता है। तो भाई ने नई नई अभी ताज़ा अपडेट दी है कि इसको रेतड़ बोलते हैं और उसको बोलते हैं केंसरिया। तो थोड़ा सा साइड होना, मतलब यार मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि यार ये रिवर देखिए और वो पाकिस्तान देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं है। यहीं पे लोग, यहाँ लोग एक जैसे हैं, वहाँ भी घर एक जैसे हैं, कल्चर शायद एक जैसा होगा, एक जैसा है ना, एक ही जैसा कल्चर है, सारा कुछ सेम है, लेकिन बस एक रिवर है और एक फ्लैग है। मतलब कि फ्लैग रिवर भी एक ही है, फ्लैग वहाँ का पाकिस्तान का ग्रीन कलर का है और यहाँ पर आपको पता ही है जैसे कि तीन कलर का, मतलब कि इसके अलावा यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं, और बस यहाँ से वहाँ जा नहीं सकते। बस ये थोड़ा सा ना, वैसे हर एक इंडियन को होता है कि यार, मेरे को तो होता है कि मैं पाकिस्तान जाऊँ और पाकिस्तान के अंदर जाके देखूँ, यहाँ से नहीं जाऊँगा मैं। कभी वीज़ा लगा तो कभी पासपोर्ट वगैरह कुछ वीज़ा कुछ चीज़ें हुई तो मैं जाना चाहूँगा। बाकी निकलते हैं थोड़ा सा आगे, और ये है कोबरा पोस्ट, जहाँ पर मैं कह रहा था कि जो रिवर है वो नहर हो जाती है। एक्चुअली में रिवर का जो फ्लो है, पानी का फ्लो है, वो पानी यहाँ से थोड़ा सा कम हो जाता है, तो इस वाली साइड में यहाँ पे पानी नहीं है और आगे जाके ये रिवर थोड़ी सी चौड़ी हो जाती है, थोड़ी सी ब्रॉड हो जाती है, तो उसके बाद में आपको ऐसा लगता है कि यार थोड़ा सा ना गैप ज़्यादा पड़ गया है। तो यहाँ से अगर आप केरन के अंदर आते हो तो यहाँ पे कोबरा पोस्ट से आप थोड़ा सा नज़दीक से अंदर जाके आप आवाज़ जो भी आपको चाहिए, फ़ोटो वगैरह खिंचवानी है, जो भी बात करनी है, क्योंकि यहाँ पर लव स्टोरी होती है ना, यहाँ पर भाई साहब लव स्टोरी भी है। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ की लड़की, वहाँ का लड़का, वहाँ की लड़की, यहाँ का लड़का, मतलब लव स्टोरी भी होती है, तो उसकी अलग कहानी है, वो हम बाद में बताएंगे। लेकिन अभी हमें फ़िलहाल जाना है, कहाँ जा रहे हैं हम? जाएंगे कटवाल। कटवाल, तो कटवाल का भी एक अलग मज़ा है क्योंकि ऊपर से जहाँ पे हम कटवाल जाने वाले हैं ऊपर से पूरा पाकिस्तान नीचे ग्राउंड लेवल पर दिखने वाला है। हम यहाँ पर टॉप पर होंगे और पाकिस्तान होगा बिल्कुल नीचे, तो ऊपर से व्यू कैसा दिखता है वहाँ भी जाएँ। आइए हमारे साथ। तो ये है कटवाल विलेज, जो पीछे आप घर देख रहे हो यहाँ पे सारे, और यहाँ से हम हाइट पे आने के बाद में यहाँ से हमें नज़र आएगा पाकिस्तान लोअर लेवल पे, जो कि जितने भी होटल्स थे, जितने भी घर है, बिल्कुल नीचे से। तो ऐसा कुछ दिखता है यहाँ से, ये रिवर, और यहाँ से स्टार्ट हो जाओ ये यहाँ से वहाँ तक, ऐसे बढ़िया से नज़र नहीं आएगा। तो आपको बढ़िया से नज़र लाने के लिए बड़ा ही दिल पे पत्थर रख के आना, बड़ा ही रिस्क वाला काम है, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे ड्रोन उड़ाया और अगर किसी ने देखा तो सीधा गोली मारेंगे। और यहीं आसपास में मैंने थोड़ी नज़र मारी है तो यहाँ पे कोई कैंप वगैरह नहीं है आर्मी के, अगर कहीं छुपे हुए हो और ड्रोन उन्हें दिखा तो ड्रोन तो जाएगा जाएगा और साथ में मेरे भी दिक्कत होगी। तो आप ड्रोन शॉट चेक कीजिए अगर नहीं पकड़ा तो। मेरे को ना बड़ा ऐसा डर लग रहा है अभी, लेकिन खैर आप चेक कीजिए। आ रहे हैं कोटवाल विलेज के अंदर प्रॉपर, और यहाँ पे है घर जो कि लकड़ी के बने हैं। ये यहाँ पे शॉप दुकान, इसे कुछ ले लेते हैं यार। अनिवेश भाई, क्या यहाँ पे वो वाला सिस्टम है क्या कि ले लो और पैसे रख दो? शायद
बैठा नहीं, दुकान खोली है, बताओ। पिस्तौल भी रखे हुए हाँ, मतलब कि बॉर्डर वाला एरिया है और बॉर्डर वाले एरिया के अंदर पिस्तौल भी है। अगर कभी जंग वंग छिड़ गई तो ये पिस्तौल काम आने वाले हैं। ये है बाबू मोशाई। ओ वैसे नीचे पड़े हैं यार, ये काफ़ी सारे हैं, लेकिन ये अच्छा नहीं है। कहाँ पे अच्छा कहाँ मिलेगा? ये रहा। नहीं नहीं, हो गया। पानी नहीं है, स्प्राइट से धुला दो, थोड़ा धुला दो। सही है। धुल गया, साफ हो गया भाई, बिल्कुल सॉफ्ट है। अगर तोड़ते तो इतना मीठा नहीं होता। से? हाँ। तो अच्छे दाम पे देते हैं ये। यहाँ पे मतलब कि वैन पूरे गांव में घूमेगी? हाँ, यहाँ पूरे गांव में घूमेगी, पूरे किरण वाला में घूमेगी। किरण में? किरण वाला। आप लेके आए हो? नहीं नहीं, वो दूसरे के। अच्छा अच्छा, ये इनके भैया जी की जो बेच रहे हैं यहाँ पे इस वक्त। मतलब कि सारा घर का सारा सामान है इसके अंदर। गन्नाल है। मतलब आप देख सकते हो कि ज्यादा किसके लिए सामान है, लेडीज यहाँ पे आसपास में। ओके जी, मतलब बेस्ट कमाल है यार। हेलो, सलाम अलैकुम। ब्रो, यहाँ पे लकड़ियाँ सस्ती होती है या ईंटे सस्ती है? एक ही रेट है। मैं कहाँ पे था? मैं पहलगाम के अंदर था, तो वहाँ पे बता रहे थे कि लकड़ियाँ एक्चुअली में ज़्यादा महंगी पड़ती है। हाँ, उस हिसाब से लेकिन बट देखा जाए तो सोने की कास्ट एक ही है। हाँ, क्योंकि यहाँ सब बेली से लाना पड़ता है। अगर 40-50 लाख रुपए का घर बनता है ईंटों से, वो घर लकड़ियों के अंदर बनेगा तकरीबन 70-80 लाख रुपये, इवन ज़्यादा, क्योंकि लकड़ी मजबूत होती है और लंबी चलती है, अर्थक्वेक भी झेल लेती है। तो इसकी वजह से मैं पहले सोच रहा था कि यार लकड़ी के घर है ना, उनकी लाइफ टाइम कम होती है, तो इसकी वजह से, लेकिन ज़्यादा होती है। ये है भाई का घर, भाई का घर है, भाई का रूम है, और मैं तो आते ही कहा यार रूम मेरे को बड़ा प्यारा लगा, बड़ा बढ़िया लगा, क्योंकि एक तो ये ठंडा है, बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है, और ऊपर से लकड़ी का, मैं शुरू से मुझे लकड़ी के घर बड़े अच्छे लगते हैं। और दूसरी बात, जो नीचे कारपेट बिछाया गया है और जो पिल्लोज़ हैं, तो ये थोड़ा सा ना टर्की की वो कौन सा शो है, अतरुल गाजी, हाँ, तो उसके शो की वो याद दिलाता है। ये भाई ने कहा था कि यार वो ऐसा कुछ ये थीम रखेगी इस रूम की। तो यहाँ से अगर आप यहाँ पे फैमिली के साथ आ रहे हो, तो भाई के पास कुछ 5-6 रूम है और तकरीबन 2,500-3,000 रुपए पे करने पड़ेंगे, लेकिन ऐसे नहीं मांग रहे ना, क्योंकि यहाँ से कुछ व्यू आपको ख़तरनाक देंगे, दिखने वाला है। इस पूरे गांव के अंदर, इस पूरे वैली के अंदर, इंडिया वाली साइड के अंदर ऐसा ख़तरनाक व्यू आपको और कहीं पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप थोड़ा सा व्यू यहाँ से देखिए, यहाँ से पूरा पाकिस्तान नज़र आता है, पूरा मतलब कि जो इंडिया वाला जो पार्ट है ना, पूरा नज़र आता है। तो आप थोड़ा सा माहौल चेक कीजिए। ये देखिए, ये ऊपर वो पाकिस्तान वाला वो पूरा गांव, उसको ऊपर कौन सा बोलते हैं, ऊपर नीलम, वो ऊपर नीलम, और ये लोअर, ये पाकिस्तान वाली साइड और ये है इंडिया वाली साइड। तो अभी थोड़ा सा आपको ड्रोन शॉट से दिखाते हैं। और ये जो रिवर है, ये यहाँ से कर्व लेके वहाँ पे जाती है, उस साइड में जहाँ जहाँ से ये जा रही है, वहाँ वहाँ से बांटते हुए जा रही है, डिवाइड करते हुए, इस साइड इंडिया और इस साइड पाकिस्तान।
तो ये है भाई का घर पीछे, यहाँ पे चाय वगैरह पी के ड्रोन शॉट जो आपने देखा है वो यहाँ से उड़ाया था। अभी हम जल्दी में ऐसे भाग रहे हैं क्योंकि मैंने पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन उड़ा दिया और गलती से उड़ गया, तो मिलिट्री वालों को शायद पता नहीं लगा, शायद पता लग गया, मुझे नहीं पता। अभी आए थे तो यहाँ पे रेस्ट करने के लिए, लेकिन थोड़ा चाय पी के थोड़ा पानी पी के अभी जल्दी से जा रहे हैं क्योंकि वो GPS के अंदर चीज़ें होती है। मेरे को बड़ा ऐसा हो रहा है कि यार मतलब कहा था कि इंटरनेशनल बॉर्डर पे इस रिवर पे ड्रोन नहीं उड़वाना है, लेकिन वो ड्रोन शॉट लेने की चाहत जो है ना ये कभी मरवा के छोड़ेगी। तो अभी निकल रहे हैं यहाँ से। यार सुना है कहते हैं कि इंडिया वालों को ना JCB देखने का बड़ा शौक है, तो JCB देख रहे हैं और यहाँ पे काम चल रहा है, इंडिया का फ्लैग लगने वाला है, तकरीबन 15-20 दिन लगेंगे 110 मीटर हाइट का, क्योंकि इस साइड में इंडिया वाली साइड में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं है और शायद मिलिट्री वाले लगवा रहे हैं कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आएँ, क्योंकि इसी साल ये खुला है केरन का। बहुत से मोस्टली लोगों को नहीं पता, ज़्यादातर बहुत से कम ऐसे लोग होंगे चुनिंदा जिनको केरन के बारे में पता है, तो ये लोग बड़े तरीके से ज़ोरों शोरों से इस जगह को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं तो चाहता हूँ कि यार आप भी आओ, इसकी एक वजह सबसे बड़ी क्योंकि इससे ज़्यादा शांति वाला, इससे ज़्यादा क्लोज बॉर्डर आपको पूरे इंडिया के अंदर कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा। और बड़ा कुछ जैसे जैसे शाम होती है भाई साहब माहौल बिल्कुल टिप टॉप होता है। वो बात अलग है कि पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि यार तरीके से बना रखा है उन्होंने, 1980 से वहाँ पर टूरिस्ट आ रहे हैं, होटल वगैरह सब चीज़ें बना रखी है उन्होंने, तो माहौल शाम को वहाँ पर उस साइड तगड़ा होता है, इस साइड बड़ा फीका होता है यार, थोड़ा सा अंधेरा सा, मतलब कि ऐसा लगता है कि यार नहीं यार कोई जंगल है सामने। तो ठीक है, मतलब कि अच्छा है अगर आप आते हो, टूरिज़्म यहाँ पे प्रमोट करते हो, लोग आते हैं तो इस साइड भी चीज़ें बनेंगी, लेकिन मेरा ओपिनियन ये है कि होटल्स बने, जिसको होटल्स के अंदर रहना है वो रहे, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि यार अपने पास जगह बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान वालों के पास उस साइड में जगह इतनी ज़्यादा नहीं है, होटल्स बना लिए उन्होंने बड़े बड़े चीज़ें ठीक है, लेकिन अपने पास अगर होटल्स भी बनेंगे बड़े बड़े तो उसके बाद में भी अपने पास इतनी जगह रह जाएगी कि यहाँ पे टेंट कैंपिंग वगैरह भी हो सकती है। तो मेरे को थोड़ा सा, मैं जहाँ पे भी लोकल बंदों को मिल रहा हूँ कह रहे हैं कि यार होटल वगैरह ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो खोल रहे हैं, ओपनिंग हो जाएगी 2-3 महीनों बाद में, काम चल रहा है अभी। मैं तो कह रहा हूँ कि यार यहाँ पे कुछ मतलब कि पुराने स्टाइल का कुछ, जैसा कि घर होते हैं ना लकड़ियों के, उनको थोड़ा सा डेकोरेट करो और शायद उनको अगर वो अच्छे लगे, मेरे को तो बड़े अच्छे लगते हैं। अगर आप ऐसे मान लो कि यार कोई इंडिया विंडिया लगा के कुछ बड़ा सा, अगर आप 5-star होटल भी यहाँ पे अगर बना दोगे और उसके सामने होगा एक लकड़ी का टूटा फूटा घर, मतलब उसको डेकोरेट करके, तो मैं तो प्रेफर करूँगा कि उस लकड़ी वाले घर के अंदर सोया जाए, रहा जाए। बाकी देखते हैं यहाँ के लोकल लोग क्या करते हैं, लेकिन एक चीज़ है कि यार इस गांव को, इस जगह को प्रमोट कीजिए, क्योंकि यहाँ की लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा आई है, लोग बड़े बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तकरीबन 70% है इस गांव की, और यहाँ से 3 किलोमीटर एक गांव पड़ता है, वहाँ की भाई साहब 100% ऐसा एक कोई भी इंसान नहीं मिलेगा जो आपको पढ़ा लिखा ना हो वहाँ पे। वैसे इस वक्त वो गांव खाली हो गए, तकरीबन 15-20 साल हो गए वो, मतलब ज़्यादा ही हो गए, जब पार्टीशन हुआ था तो वो उस साइड में चले गए। तो यहाँ पे चीज़ें बहुत है, टैलेंट बहुत है, लेकिन वही बात है इनको थोड़ा सा हेल्प करने वाला, कोई साथ देने वाला नहीं है। तो इस गांव के अंदर आइए, प्रमोट कीजिए इस गांव को जितना हो सके उतना, क्योंकि जगह बहुत खूबसूरत है, इससे ज़्यादा प्यारी जगह, इससे ज़्यादा खूबसूरत जगह मतलब बॉर्डर नहीं हो सकती, मानो चाहे ना मानो। जब शाम होगी ना तब आपको माहौल चेक करवाएंगे। तो यार ये है छनछरियाँ का किरण ही नाम है, लेकिन किरण का जैसे कि मैंने आपको बताया छनछरियाँ, तो यह छनछरियाँ का पोस्ट ऑफिस। तो यहाँ पे इस गांव का कुछ भी अगर आपको अच्छा लगता है, फ्रूट हो सकता है, कुछ भी पहनने के लिए, कुछ भी कोई भी चीज़ हो सकती है। और क्या क्या मिलता है यहाँ पे फ्रूट के अलावा? सैफरन वगैरह, अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती है तो यहाँ से आप 3 दिन के अंदर दिल्ली पोस्ट करवा सकते हो, यहाँ से पहुँच जाएगी आपके पास चीज़ें। तो यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है, ये 1998 से बना है ना, मतलब पुराना है लेकिन वर्किंग पे चल रहा है। ये देखो आप केरन, बड़ा खूबसूरत काम है। और यहाँ पे आके अपने टेंट के पास आके ना मेरे को बड़ा ऐसा अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे छांव है और हवा भी बढ़िया चल रही है,
नहीं नहीं नहीं, ये अपने नहीं है ना। इनको पानी चेंज करेंगे। मैं तो कहता हूँ छोड़ दो यार इनको वापस। इसमें हाथ लगा? नहीं नहीं मैं नहीं लगा। नहीं यार ये लगा ना, देख नहीं नहीं, नहीं नहीं मैं नहीं लगाऊंगा, मैं नहीं लगाऊंगा। अरे ऐसा नहीं है कि मेरे को खा जाएगी, मेरे को बड़ा ना गीला गीला लगता है इसको हाथ लगाने के अंदर। ये अंदर क्या चीज है? नहीं 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 नहीं। एक्चुअली ये जो फिश है ये पूरे वर्ल्ड के अंदर सिर्फ 3% है, 3% ना। इसका टेस्ट बड़ा तरीके वाला है, बड़ा स्वाद है। तो आज हम ये फिश खाएंगे और चिल करेंगे। बिलाल तो कोई गाना सुनाओ यार। बिलाल गाना? बिलाल तो एक सिंगर का नाम है ना, बिलाल जानते हो? बिलाल सही है। हाँ बिलाल सही, तुम बिलाल सही से कम थोड़ी हो। नहीं मुझे इसकी स्किन देखो यार, मतलब कि स्किन देखो कितनी प्यारी स्किन है। ये दीवा किलो जोड़ किलो कह रहे हैं। मैं जनाब कैरन बाला रहता हूँ, हाजी राजा मोहम्मद अलियास हूँ। यहाँ से ऊपर आप देखिए, यहाँ कैरन बाला वो सामने मेरा मकान नज़र आ रहा है। तो मैं रेंज ऑफिसर रिटायर हुआ हूँ।